महाराष्ट्र से भी है, दिल्ली से भी है, लखनऊ, कानपुर, लगभग सभी जगह से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। साल का पहला दिन है 2024 जनवरी, तो काफी भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। नमस्कार दोस्तों, विक्की एनटीएल वीडियोस में आपका स्वागत करता हूँ और आज की न्यू वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। कैची धाम पहुंच गया हूँ और जनवरी की 1 तारीख है और भारी मात्रा में यहाँ पे टूरिस्ट पहुंचे हैं, श्रद्धालुगण पहुंचे हुए हैं, तो सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। आज का अपडेट रहेगा कैची धाम अपडेट और इसके बाद ले जाने वाला हूँ, शाम का अपडेट दूंगा नैनीताल का, तो नैनीताल प्लस कैची धाम का अपडेट रहेगा, कितना टूरिस्ट आया हुआ है और मौसम की जानकारी, सारा कुछ आज का रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग बने रहिए। तो ये पैदल वाला रास्ता है, देखिए लगातार यहाँ पे श्रद्धालुगण आ रहे हैं जा रहे हैं, तो यहाँ से शॉर्ट रास्ता रहता है, ऊपर में रोड का कनेक्टिविटी रहता है और कैची धाम इसलिए इसका नाम है क्योंकि यहाँ पे जो रोडें हैं वो कैंची की तरह हैं, तो इसलिए कैंची धाम इसका नाम है। और बाबा नीम करौली जो कि काफ़ी दयालु हैं और बाबा के धाम में सभी जगह से श्रद्धालुगण पहुँचे हुए हैं, दूर दूर से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कुमाऊँ रेंज यहाँ पे ड्यूटी करते हुए, तो ट्रैफिक को काफ़ी कंट्रोल किया है और ट्रैफिक का ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं है। भारी मात्रा में हजारों की संख्या में लोग कैंची धाम पहुँचे हुए हैं और देखिए जनवरी की 1 तारीख है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। तो जय बाबा नीम करौली, जय कैंची धाम। तो पहुंच गए हैं दिन के टाइम में, 1 बज रहा है अभी दिन का, तो काफ़ी श्रद्धालुगण हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए दूर दूर से लोकल वाले भी हैं, टूरिस्ट भी हैं, तो ले चल रहा हूँ मैं उधर की तरफ, आपको दिखाता हूँ कितना यहाँ पे श्रद्धालुगण पहुँचे हुए हैं और जाम की स्थिति ज़्यादा नहीं है। तो नैनीताल से 1 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ बुजुर्ग भी आए हैं। और मौसम की बात करें तो काफ़ी सुहाना मौसम है, धूप खिली है, तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इस समय स्वेटर में, हुड में काम चल जा रहा है, शाम के टाइम पे जैकेट में काम चल रहा है और बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे तो काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालुगण पहुँचे हुए हैं, देखिए भारी मात्रा में भीड़ लगी, देखिए कैंची धाम में। तो होम स्टे वगैरह भी काफ़ी हैं यहाँ पे, तो आगे की तरफ ज़्यादा हैं और बाबा के धाम के आसपास भी काफ़ी होम स्टे हैं। और तो इतनी ज़्यादा भीड़, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे 15 जून का टाइम चल रहा है, तो गर्मियों का समय ऐसा लग रहा है और गर्मी सी भी हो रही है, ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे डाउन नहीं है, तो इस समय यहाँ पे 16 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर है और काफ़ी श्रद्धालुगण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए तो आप लोग भी आते हैं तो यहाँ से रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी, जागेश्वर, बागेश्वर, मुक्तेश्वर और आगे केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम के लिए भी ये रास्ता जाता है, तो मेन हाईवे है। और श्रद्धालुओं की बात करें तो इतनी ज़्यादा भारी संख्या में लोग आ गए हैं कैंची धाम में, लगता है बाबा का चमत्कार और बाबा का आशीर्वाद सभी को मिल गया है और बाबा ने सभी को बुलाया है यहाँ पे दर्शन के लिए। तो जय बाबा नीम करौली, जय कैंची धाम। आप भी आते हैं तो एक बार यहाँ पे जरूर आएं और दर्शन करके जाएं क्योंकि ये मेन हाईवे में रास्ते में पड़ता है, तो एक बार दर्शन जरूर करिएगा। तो काफ़ी सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट भी हैं, होटल भी हैं, होम स्टे भी हैं, तो प्लान करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नैनीताल टूर आइए और कैंची धाम को उसमें शामिल करिए। तो अगर कैंची धाम आप आते हैं तो एक गोलू देवता का यहाँ पे मंदिर रहता है, घोड़ा खाल मंदिर का नाम है और वहाँ पे लाखों की संख्या में आपको घंटियाँ मिलती हैं, तो एक बार जरूर आइएगा क्योंकि विवाह मूवी की जो शूटिंग हुई थी वही हुई थी, तो उस मंदिर को भी जरूर देखिएगा आप। हजारों की संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट है और श्रद्धालुगण यहाँ पे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं और नीचे की तरफ का दिखाता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है देखिए यहाँ पे, तो आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है अंदर दर्शन में और टाइम यहाँ पे 5-10 मिनट में दर्शन हो रहे थे। तो आज जनवरी का 1 तारीख है और सोमवार का दिन है, फिर भी काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ है, तो आप लोग भी प्लान करिए नए साल में यहाँ आइए नैनीताल और कैंची धाम को उसमें शामिल करिए। बाबा नीम करौली काफ़ी दयालु हैं और जल्द से जल्द मन्नत पूरा करते हैं, मन्नत पूरा होने पे यहाँ पे कंबल चढ़ाया जाता है, वो कंबल आपको वापस दे दिया जाता है, वो अपने अपने पूजा स्थान में आप रख सकते हैं या फिर आप किसी गरीब में दे सकते हैं, तो बाबा को लगता है मुझ में वो चढ़ गया है। तो जय बाबा नीम करौली, जय कैंची धाम। आप आते हैं तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पे जरूर करें अंदर में, तो जय श्री राम। भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और यहाँ पे
काफ़ी कुमाऊँ रेंज को यहाँ पे ड्यूटी में देखा जा रहा है, काफ़ी ड्यूटी कर रहे हैं और काफ़ी मतलब यहाँ पे बाबा के बहुत अच्छे दर्शन अभी इस समय हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुगण पहुँचे हुए हैं और व्हाइट वाला जो ये मंदिर है बाबा उसी में विराजमान हैं और ऐसा लगता है साक्षात कि बाबा इस समय भी यहाँ पे हैं। तो एक बार बाबा के दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ एक बार यहाँ पे जरूर करें। तो जय सियाराम, जय बाबा नीम करौली, जय कैची धाम। दोस्तों आप लोग आते हैं इस चीज़ का जरूर ध्यान दें, देखिए जगह जगह यहाँ पे डस्टबिन होते हैं, उसके बाद भी पब्लिक यहाँ पे फेंक जाती है। आप लोग आते हैं तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें, वादियों में अपनी गाड़ियों से ऐसे ना फेंकें, हमने डस्टबिन देख के ही डालें। और जगह जगह ऐसा कूड़ा हो जाता है, देखिए बाबा का धाम है और कितना सारा कूड़ा पड़ा है यहाँ पे, बॉटल वगैरह रैपर वगैरह काफ़ी लोग फेंक जा रहे हैं। और मंदिर समिति से और जिला प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पे जगह जगह बड़े बड़े डस्टबिन रखे जाएं, ताकि जितने भी श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं वो डस्टबिन में ही डालें, तो ऐसा हो जाए तो बाबा कितने खुश होंगे। दोस्तों यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाबा का धाम है सामने और यहाँ पे आके एक भजन आ गया है, बाबा नीम करौली का ही भजन है, तो मैं आपको चार लाइन सुनाना चाहूँगा। जय बाबा नीम करौली, जय कैची धाम। जय जय बाबा नीम करौली, नीम करौली, नीम करौली, जय जय बाबा नीम करौली, कैची धाम है निराला, यहाँ आए किस्मत वाला, बाबा जिसको भी बुलाए बेड़ा पार है। कैची धाम है निराला, यहाँ आए किस्मत वाला, बाबा जिसको भी बुलाए बेड़ा पार है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली, जय कैची धाम। ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ पे अभी इस समय ट्रैफिक काफ़ी कंट्रोल है और जाम की समस्या ज़्यादा नहीं है। अगर आप नैनीताल से आप आते हैं तो आप एक घंटे में अभी इस समय पहुँच जा रहे हैं, बाकी टाइम में आप आधे घंटे पौने घंटे में यहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 15-20 मिनट 25 मिनट का फ़र्क है। और बाकी पार्किंग की बात करें तो काफ़ी बड़ी पार्किंग नीचे में बन गई है, तो 2-3 पार्किंग बन गई है, तो बड़ी पार्किंग जो है उसमें 500-700 गाड़ियाँ आ जाती हैं और छोटी जो पार्किंग है उसमें भी 50-60-100 गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो पार्किंग आपको मिल जाने वाली है। और 120 रुपये चार्ज है 4-व्हीलर का और 2-व्हीलर का यहाँ पे 50 रुपीज़ है चार्ज। बाकी नैनीताल में पार्किंग करते हैं वहाँ पे भी 120 रुपये है 4-व्हीलर का, 2-व्हीलर का वहाँ 25 रुपये है। तो दोस्तों नीचे की तरफ पार्किंग है, देखिए काफ़ी बड़ी पार्किंग है, तो ये कैची धाम की मेन पार्किंग है और ये फर्स्ट में ही आपको मिल जाती है। तो 1 तारीख है जनवरी की और ऐसा लग रहा है 15 जून में हम यहाँ हैं, तो लाइन लगनी स्टार्ट हो गई है और काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालुगण पहुँचे हुए हैं, लोकल वाले भी हैं, टूरिस्ट भी हैं। तो साल का पहला दिन है 2024 जनवरी, तो काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और देखते हैं नैनीताल में कितना टूरिस्ट आता है, आया हुआ है, तो सारा कुछ नैनीताल का भी अपडेट रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग बने रहिए, नीचे में भी भीड़ है, इधर भी भीड़ है, उधर भी भीड़ है और काफ़ी लोग यहाँ पे खेत में भी चढ़ गए हैं और यहाँ पे बैठे हैं और कितने लोग यहाँ पे खाना पीना भी कर रहे हैं और पिकनिक टाइप का भी मना रहे हैं। पर जगह जगह जो कूड़ा फेंक जाते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, देखिए कितनी गंदगी हो रही है, बाबा का धाम सामने है और डस्टबिन होने के बाद भी लोग ऐसी फेंक जाते हैं इधर उधर। तो दोस्तों आप लोग आते हैं इस चीज़ का जरूर ध्यान दें और काफ़ी सुहाना मौसम है, आप लोग प्लान कर सकते हैं नैनीताल टूर, तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आइए और बहुत बढ़िया मौसम मिलने वाला है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। और अगर आने वाले दिनों में स्नोफॉल का कुछ होता है, बर्फ़ पड़ती है, तो आपको अपडेट ज़रूर देंगे, जैसा भी मौसम रहता है तो ज़रूर आपको अपडेट मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा, धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही हैं और कोई दिक्कत ऐसा कहीं पर भी ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुमाऊँ रेंज पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पर बहुत बढ़िया ट्रैफिक को कंट्रोल किया है और नैनीताल में भी, तो धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने ट्रैफिक को काफ़ी कंट्रोल किया है। तो दोस्तों आप लोग आते हैं तो इस समय आप लोग प्लान करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप काठगोदाम हल्द्वानी से भी आते हैं तो आप इजीली यहाँ पे 2-2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, बाकी बाबा के दर्शन जो हैं वो इस समय काफ़ी टाइम लग रहा है, वहाँ पे 1 घंटा लग जा रहा है अंदर में, तो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इसलिए भीड़ ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे सोडा सिकंची मिल रही है पहाड़ी नींबू के साथ, तो यहाँ पे ले सकते हैं। और माल्टे भी आए हैं पहाड़ के, देखिए पहाड़ के बड़े बड़े यहाँ पे नींबू आपको दिखाई दे रहे हैं और बहुत बढ़िया नींबू पानी आपको मिलता है कैची धाम में। और देखिए काफ़ी श्रद्धालु बने हैं भारी मात्रा में, मतलब 1-1.5 घंटा यहाँ पे लग रहा है दर्शन में, तो इस समय काफ़ी भीड़ है और बाकी दिनों में यहाँ पे भीड़ कम रहती है, तो आज तो काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में भीड़ है।
ले चल रहा हूँ मैं आपको नैनीताल की तरफ। नैनीताल की अपडेट देता हूँ, वहाँ पे कितना टूरिस्ट है, तो नैनीताल का मौसम के बारे में और सारा कुछ जानकारी, वहाँ पे कितना टूरिस्ट है, तो यहाँ का तो मैंने आपको दिखाई दिया, तो ले चल रहा हूँ आपको। कैंची धाम से 2-3 किलोमीटर ऊपर में मैं आ गया हूँ नैनीताल की तरफ, और यहाँ पे जाम की कोई भी समस्या नहीं है। देखिए यहाँ पे पूरा खाली रोड चल रहा है, तो जहाँ पे कैंची धाम है तो वहीं पे को थोड़ा सा रहता है 15-20 मिनट का। बाकी आप लोग प्लान करिए, इस समय बहुत बढ़िया है, इस समय सुहाना मौसम है, तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, तो आप लोग आइए ज़्यादा से ज़्यादा। रास्ते में व्यू की बात करें तो नैनीताल और कैंची धाम के बीच में आपको काफ़ी सारे नज़ारे मिलने वाले हैं और बहुत बढ़िया लगने वाला है आपको, तो बहुत बढ़िया वादियाँ हैं। देखिए रास्ते में आपको चीड़ का जंगल आपको मिलने वाला है, और ऐसे ऐसे जगह जगह ये फूड वैन भी मिल जाते हैं, तो खा पी के आप निकल सकते हैं, तो बहुत बढ़िया। देखिए सुहाना मौसम है, और 18 किलोमीटर ये नैनीताल से है कैंची धाम, तो भवाली पहुंच गए हैं, और पेट्रोल पंप भी यहाँ पे है, तो आप लोग पेट्रोल यहाँ से भरा सकते हैं, और 95 के आसपास यहाँ पे पेट्रोल का रेट है। थोड़ा सा भवाली से आगे हूँ और यहाँ पे हल्का फुल्का जाम लग रहा है, देखिए यहाँ पे, तो इससे पहले कोई भी जाम नहीं था, और यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे शटल सेवा भी खोली है, जो कि आप लोग आते हैं अपनी कार से तो ज़्यादा भीड़ होने पे आपको शटल में भी जाना पड़ सकता है, तो नैनीताल की लोकल टैक्सी में ही आप कैंची धाम दर्शन करने जाएं तो ज़्यादा बेटर है दोस्तों, इस चीज़ का जरूर ध्यान दें। और ये वाला देखिए हल्द्वानी की दिल्ली की तरफ रास्ता गया, ये नैनीताल का है राइट वाला, तो ले चल रहे हैं, नैनीताल की अपडेट देते हैं आपको। नैनीताल पहुँच गए हैं और नैनीताल की पुस्तकालय है सामने, तो आप लोग भी यहाँ बुक का शौक़ रखते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे तो काफ़ी टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं मॉल रोड में, और ट्रैफिक ना के बराबर है, और ऊपर की तरफ देखिए काफ़ी सारे दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, तो गिफ्ट शॉप भी हैं, और झील में भी नौकाएं भी काफ़ी दिखाई दे रही हैं। मौसम की बात करें तो कैंची धाम में भी धूप थी और यहाँ भी धूप है, और बादल बिल्कुल नहीं है, तो नीला आसमान है और बढ़िया झील का नज़ारा है, तो आप लोग प्लान करिए नैनीताल ज़्यादा से ज़्यादा आइए, तो सभी धर्मों के लिए यहाँ पे वेलकम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माँ नैना देवी मंदिर है और गुरुद्वारा है और जामा मस्जिद है और चर्च भी है मॉल रोड में, तो सारा कुछ ऑप्शन आपको मिल जाता है, और शाम का बहुत बढ़िया रिफ्लेक्शन है। देखिए यहाँ पे मल्लीताल पहुँच गया हूँ, और देखिए काफ़ी लाइन लगी है रिक्शे की, तो रिक्शे अभी नहीं मिल रहे हैं, वैसे पैडल रिक्शा भी है और ई रिक्शाज भी हैं, पैडल रिक्शा का 20 रुपये है और ई रिक्शाज का 10 रुपये है। तल्लीताल मल्लीताल 1.5 किलोमीटर का ये मॉल रोड रहता है, और शाम को टूरिस्ट के घूमने के लिए 6 से 8 ये बंद रहता है, बाकी सीजन टाइम में 6 से 9 रहता है, और सामने ये बड़ा बाजार का रास्ता है, और 4-व्हीलर 2-व्हीलर से जैसे भी आप आते हैं तो राइट से आप नहीं जा सकते हैं, घूम के आना होता है आपने। बाकी पार्किंग वगैरह है मेट्रोपॉल और सूखा ताल पार्किंग आप कर सकते हैं। तो एक जानकारी देना चाह रहा था, आप लोग यहाँ आते हैं गाड़ी लेके तो शटल में आना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब पार्किंग पैक हो जा रही है तो आपको शटल से आना पड़ रहा है, और नीचे ही आपको रोक दिया जा रहा है, तो वहीं पार्किंग आपको करनी हो रही है, तो ज़्यादातर आप ट्रेन से आप अगर आप आते हैं तो ज़्यादा बेटर है, और लोकल टैक्सी से आप चलें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, घूमने के लिए भी बढ़िया है, और रास्ते में कहीं आपको रोकते नहीं हैं, तो जाम में फंसते नहीं हैं आप, तो नैनीताल में जाम की प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए काफ़ी खुला खुला है यहाँ पे, आज है जनवरी की 1 तारीख, तो नैनीताल लगभग पैक है, और देखिए नीचे ग्राउंड पार्किंग काफ़ी फुल है, तो ग्राउंड पार्किंग नहीं मिलती है तो सूखाताल पार्किंग मेट्रोपॉल पार्किंग आपको करनी होती है, और 120 रुपये देने होते हैं 4-व्हीलर के और 25 रुपये 2-व्हीलर के। तो शाम के 5:30 हो गए हैं और मैं पहुंच गया हूं हेरिटेज मार्केट, जो कि सबसे खूबसूरत मार्केट है नैनीताल की, हेरिटेज मार्केट बड़ा बाज़ार, तो ये वाली खड़ी मार्केट है, और ये मार्केट काफ़ी खूबसूरत बन गई है, और काफ़ी अच्छा सामान यहाँ मिलने लगा है, तो बुलंस का भी है और काफ़ी सारे गिफ्ट शॉप भी हैं, तो इस मार्केट में ज़रूर आएँ दोस्तों, और इसमें लाइटिंग का काफ़ी बढ़िया है, तो शाम के टाइम पे आप आते हैं तो यहाँ पे फोटोग्राफी का काफ़ी बढ़िया है, वीडियोग्राफी का। अंदर में आप जाते हैं तो लोकल आर्ट करके एक दुकान है, तो वो अंकल जी खुद ही अपने हाथों से कलाकारी से बनाते हैं, और बहुत बढ़िया आपको वुडन्स का मिलता है, तो 100 पीस यहाँ का ले जाइएगा। बाकी कैंडल्स यहाँ की फेमस रहती है बड़ा बाज़ार की, और आगे में जाते हैं तो बाल मिठाई यहाँ की फेमस है, और नमकीन भी फेमस है यहाँ की, तो ये सब आप यहाँ से ले जा सकते हैं, और बॉक्स पैकिंग आपको मिल जाती है यहाँ पे।
बहुत बढ़िया। तो मेन जो अट्रैक्शन पॉइंट है टूरिस्ट का नीचे की तरफ है, तो ले चल रहा हूँ मैं शाम की मार्केट, 4 से 7-8 बजे की मार्केट है, फुटपाथ मार्केट, वो दिखाते हुए पंत पार्क से होते हुए रिक्शा स्टैंड से झील के किनारे आज की वीडियो रोकेंगे दोस्तों। बड़ा बाजार से नीचे का रास्ता है और काफ़ी सारी भीड़ दिखाई दे रही है, और कैंची धाम में काफ़ी भीड़ थी दोस्तों जो जैसा कि मैंने दिन का दिखाया आपको। तो अब शाम का देखते हैं नीचे में कितने टूरिस्ट हैं, क्या कुछ चल रहा है। तो झील के किनारे तक, नौकाएं तक सारी कुछ दिखाते हैं आज का। तो काफ़ी ठंडा होने लगा है शाम को, यहाँ पे टेम्परेचर जा रहा है 7-8 डिग्री के आसपास, और रात में चले जा रहा है ये 4-5 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे लोकल दुकानें भी लगी हैं, तो वुलन्स का यहाँ पे रहता है, लेडीज़ें बनाती हैं, तो काफ़ी सारी दुकानें हैं। तो नैनीताल आप आते हैं तो ये घोड़ा स्टैंड नाम की जगह है, तो ये ठीक बड़ा बाजार से पहले मिलेगी आपको। तो काफ़ी सारा यहाँ वुलन्स का है, तो ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, तो ये हाथ से खुद बुनती हैं और बनाती हैं, देखिए यहाँ पे। ले चल रहा हूँ मैं आपको नीचे की तरफ, ग्राउंड के पास पहुँच गया हूँ, और ये बजरी ग्राउंड है, 1800 सन में ये बना है, और तीनों ही गेम यहाँ पे होते हैं, जैसा कि आजकल जो चल रहा है क्रिकेट चल रहा है जाड़ों के दिनों में, इसके बाद यहाँ पे हॉकी आती है, हॉकी के बाद फुटबॉल आता है, और यहाँ पे वॉलीबॉल का भी है और बास्केटबॉल भी है, रॉक क्लाइंबिंग का भी है, और ऊपर में है टिफन टॉप, और इधर में देखा जाए तो ये है नगरपालिका ब्रिटिश टाइम की सबसे पुरानी, और इधर में जो है नीचे में ये DSA ग्राउंड का ऑफिस है, यहाँ पे टीमें तैयार होती हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिस भी होती है, और ये जामा मस्जिद है, और इधर में ये कार पार्किंग है। तो नीचे की तरफ है माँ नैना देवी मंदिर, और उसके बाजू में है गुरुद्वारा, और ये कैपिटल सिनेमा है, और मॉल रोड में जाते हैं तो चर्च है। तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं मॉल रोड में, और झील का किनारा है सामने, शाम का वक्त है, लाइटिंग जल गई है। तो ले चल रहा हूँ आपको फुटपाथ मार्केट से होते हुए झील के किनारे, कैफ़े इन्जॉय करने हो नैनीताल में तो बेस्ट कैफ़े यहाँ पे हैं, चॉकलेट रूम, साइकिलीज, और मॉल रोड में जाते हैं लेकिन साइड कैफ़े है तो वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये सामने वाला है पंत पार्क, और आगे में है रिक्शा स्टैंड। तो काफ़ी सारी लाइटिंगें लगी हैं, और 1 तारीख है जनवरी की, तो 2024 आ गया है, तो आप सभी को दोबारा से हैप्पी न्यू ईयर और बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। ये देखिए यहाँ पे ई रिक्शा चलने लगी हैं, 10 रुपये देना होता है, तो तल्लीताल मल्लीताल, और कभी कभी यहाँ भीड़ हो जाती है, और तल्लीताल में बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है, और कभी तल्लीताल में भीड़ होती है तो यहाँ पर नहीं होती है, ऐसा कुछ यहाँ पर चलता रहता है। और इधर में है सहायता केंद्र पुलिस डिपार्टमेंट का, तो ये वाला मॉल रोड स्टार्ट है, तो 6 से 8 की टाइमिंग है, और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट होटल हैं, तो शाम के टाइम पे बच्चों को हाथ छोड़ के भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और इधर की तरफ देखिए काफ़ी सारे मल्टीपर्पज़ दुकानें हैं, छोटे छोटे यहाँ पे सामान मिल जाते हैं, वुलन्स का तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कलेक्शन आया हुआ है, तो विदेशी कपड़े भी आपको यहाँ मिल जाते हैं फ़ौरन के, तो काफ़ी सारे आगे मिल जाते हैं कपड़े आपको। तो खाने पीने का इधर का चाय पानी वाला है, मैगी इंजॉय, चाय पानी है, कॉफ़ी है, नीचे की झील के किनारे अगर जाते हैं तो वहाँ पे भुट्टा इंजॉय भी है। तो काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है, और शाम के टाइम पे अंधेरा होने वाला है, और बोटिंग अभी भी चालू है, तो कुछ ही देर में यहाँ पे एकदम से अंधेरा हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर बोटिंग बंद कर दी जाती है। तो जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक बोटिंग चलती है, और बोट का रेट है फुल चक्कर का 420 और हाफ चक्कर का है 320, और काफ़ी सारा कलेक्शन आया हुआ है, बच्चों का भी, बड़ों का भी, बुज़ुर्गों का भी, तो आप लोग प्लान करिए। छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग पहुँचे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ, और काफ़ी बुज़ुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं, तो ज़्यादा ठंडा है नहीं इस समय, देखिए हुड पहने हुए हैं बड़े भाई, तो ज़्यादा ठंडा नहीं है इस समय। आप आते हैं तो यहाँ पे आराम से जैकेटें आपको काफ़ी सारी मिल जाती हैं, और देखिए यहाँ पे शाम का नज़ारा, तो बहुत बढ़िया नज़ारा हो रहा है। सामने है बैंड हाउस, तो यहाँ पे कुमाऊँ रेजिमेंट का यहाँ पे बैंड बजाया करते हैं गर्मियों के दिनों में। और ये देखिए तो नौकाओं का काफ़ी आनंद लिया जा रहा है नैनीताल में, और बढ़िया धूप खिल रही है, सुबह से शाम तक धूप है। इस समय आप प्लान करते हैं नैनीताल में, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, और आप लोग आते हैं तो इस समय बहुत बढ़िया मिलने वाला है, तो प्लान करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नैनीताल पहुँचिए। सभी धर्मों के लिए यहाँ पे वेलकम है, क्योंकि माँ नैना देवी मंदिर यहाँ पर है, जामा मस्जिद यहाँ पर है, और गुरुद्वारा यहाँ पर है, और चर्च मॉल रोड में मिल जाता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए।
काफी एंजॉय कर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंचे हुए हैं, दूर दूर से पहुंचे हुए हैं, साउथ से भी दिखाई दे रहे हैं और महाराष्ट्र से भी हैं, दिल्ली से भी है, लखनऊ, कानपुर, लगभग सभी जगह से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ देखिए बोटिंग करके आए हुए हैं और बहुत बढ़िया। देखिए तो नैनीताल एंजॉय आपको करना हो तो अभी आ सकते हैं। आज है 1 तारीख जनवरी की, तो नेक्स्ट 10, 12, 15 तारीख के बाद यहाँ पे मौसम बदलने वाला है। देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा रहेगा और अगर स्नोफॉल होता है, बर्फ़ पड़ती है नैनीताल में, तो पहले से ही आपको अपडेट दे दी जाएगी। और वैसे भी शुरुआत में क्या होता है, बारिश होती है तो एक दो दिन बारिश होती है, पूरा ठंडा हो जाता है, उसके बाद ओले पड़ते हैं और उसके बाद बजरी पड़ती है और लास्ट में जो लास्ट वाला कोट रहता है वो हल्की वाला जो पेड़ों में बर्फ़ अटक जाती है वो वाली स्नोफॉल आपको मिलती है, तो वो जनवरी के फरवरी के महीने में मिलती है। तो देखते हैं कब होता है और 2024 तो आ ही गया है, तो आप लोग नैनीताल प्लान कर सकते हैं। इस समय सारा कुछ सस्ता है, ज़्यादा मई जून वाले रेट नहीं है। इस समय आप आते हैं तो इस समय गाड़ियों में भी डिस्काउंट मिल जाता है और दुकानों में भी डिस्काउंट मिल जाता है और होटलों में भी डिस्काउंट मिल जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नैनीताल पधारिए। तो दोस्तों मेरे सामने से है नैनी झील प्यारी सी, तो आज का अपडेट कैसा लगा आपको कैची धाम का और नैनीताल का, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल में नए एक बार जरूर करिए और मिलते हैं कोई और अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी।